यानी कि प्राइस बढ़ते चला जा रहा है. सो एवरीवन इज नॉट इन अ पोजीशन कि वो अपने प्राइस को बढ़ा बढ़ा करके सामान खरीद ले. नॉट एवरीवन इज दैट रिच क्लास सिटीजन. सो यू विल सी कि गवर्नमेंट क्या करेगी. हेलो एवरीवन, कंटिन्यूइंग विद आवर नेक्स्ट इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी, हम आज बफर स्टॉक के बारे में बात करेंगे. माय नेम इज अफशा परवीन. यू कैन फॉलो माय वीडियोस एंड माय प्लेलिस्ट. अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ते हो, आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एंड यूपीएससी में तो पर्टिकुलरली GS3 होल्ड्स द इकोनॉमिक्स का सेक्शन वेरी प्रोनाउंसली. सो यू कैन फॉलो माय लेक्चर्स टू अंडरस्टैंड द कोर ऑफ इकोनॉमिक्स. नाउ लुकिंग फॉरवर्ड, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बफर स्टॉक. अब बफर मतलब क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा, यानी कि अभी के लिए है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी है. आई टेल यू विद एन एग्जाम्पल. जब आपके घर में स्नैक्स आता है, पूरे महीने भर का कुछ ऐसा स्नैक्स आया, इफ योर मॉम ब्रिंग्स दो स्नैक्स, तो अब क्या होगा? शी वॉन्ट कीप द एंटायर स्नैक एट अ प्लेस वेयर यू कैन सी इट. मतलब सब कुछ आपके आंखों के सामने वो नहीं रखती है. देर इज सर्टन अमाउंट ऑफ द स्नैक जो शायद वो कहीं छुपा करके रखती है, विच यू विल सी कि अगर सडनली कोई मेहमान आ गया, कोई गेस्ट आ गया, कुछ और हो गया, या सडनली जब मेन जो स्टॉक आपके सामने शायद था वो खत्म हो गया, तो अब वो बफर बाहर आता है. यानी कि मेहमानों के लिए कुछ अलग ही स्टॉक बाहर निकल रहा होता है, विच वॉज आउट ऑफ योर व्यू कि ओ एक्स्ट्रा भी था, आई डिडंट न्यू. सो दिस इज समथिंग द एक्स्ट्रा और द बफर स्टॉक विच वी ट्राई टू कीप विथ आर हैंड, ताकि एमरजेंसी सिचुएशन में इट कैन बी रिलीज. अब इसी तरह कुछ इंडियन इकोनॉमी में भी होता है. प्रोडक्शन तो हो रहा है, कंजम्पशन भी है, बट वॉट इफ कल को अचानक से अर्थक्वेक आ जाए, वॉल्केनो आ जाए, फ्लड आ जाए, एंड द एंटायर क्रॉप फेलियर हैपेंस, यानी कि जो प्रोडक्शन हुआ था सब बर्बाद हो जाए, फार्मर को पूरा लॉस हो जाए, या इकोनॉमी में कुछ ऐसा फ्लक्चुएशन आ जाए कि सप्लाई डिमांड नहीं बढ़ पा रहा है, यानी कि जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं है, डिमांड बढ़ते चला जा रहा है बट मार्केट में कमोडिटी ही नहीं है सप्लाई करने के लिए. सो ऑल दीज प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व विद द हेल्प ऑफ बफर स्टॉक. यानी कि अगर अचानक से सिचुएशन खराब हो चुकी है, फ्लड की सिचुएशन, अर्थक्वेक की सिचुएशन, सो यू कैन सी कि आप बफर स्टॉक निकाल दोगे, क्योंकि आपको तो कंजम्पशन बढ़ाना है ना, कंजम्पशन तो देना है, बिकॉज द पीपल आर हंग्री आउट देयर. सो उनके कंजम्पशन को मेंटेन रखने के लिए यू विल रिलीज आउट द बफर स्टॉक. या फिर द नेक्स्ट सिनेरियो, जहां पे आपका डिमांड बहुत ज्यादा है बट सप्लाई उस लेवल का नहीं है, तो क्या होगा? अगर डिमांड बहुत ज्यादा और सप्लाई उस लेवल का नहीं है, सो द प्राइस वुड राइज. आई होप यू आर एबल टू कनेक्ट. अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हो और सप्लाई उतनी नहीं है, तो आगे वाला बंदा उसकी प्राइस को बढ़ा देगा, ताकि द पर्सन हु इज एबल टू गेट द मैक्सिमम प्राइस वो उसे मिल जाएगा. अगर जैसे आपको एक पेन पसंद है, आप दुकान में गए उस पेन को लेने के लिए, बट उस दुकान वाले के पास वो एक ही पेन है. अब वो पेन का दाम है 10 रुपीज, आपने बोला ठीक है मैं 10 रुपीज आपको दे दूंगा, आप ये पेन मुझे दे दो. बट द मोमेंट यू आर एबल टू टेक दैट पेन, आपको एक फ्रेंड आया एंड ही इज सेइंग कि मैं आपको 15 रुपीज दूंगा, ये पेन आप मुझे दे दो. सो व्हाट हैज हैपेंड, अब उस सेलर को जहां पे 10 रुपये में एक पेन मिल रहा था, नाउ ही वुड बी गेटिंग 15 रुपीज फॉर द सेम पेन. तो उस सेलर के दिमाग में क्या होगा कि इस बंदे को दे रहे हैं, ये मुझे 15 रुपये देने वाला है. सो दिस वे क्या होता है कि अगर आपका डिमांड बढ़ गया है बट सप्लाई उतना नहीं है, अगर पेन शायद बहुत अमाउंट में होता तो वो पर्सन 15 रुपये नहीं देता, वो भी 10 रुपये में दूसरा वैसा ही पेन लेके चला जाता. बट सिंस ही नहीं हो कि एक ही पेन है और उसे वो पेन चाहिए, तो वो ज्यादा प्राइस पे करके उसे ले लेगा. सो दिस इज द प्रॉब्लम व्हेन द सप्लाई इज इनएफिशिएंट और डिमांड बढ़ते चला जा रहा है. सो व्हेन वी कीप बफर स्टॉक, जब अगर सप्लाई कम है और मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, सो व्हाट यू विल सी कि बफर स्टॉक निकाल के हम प्राइस स्टेबलाइज कर सकते हैं. यानी कि प्राइस बढ़ते चला जा रहा है, सो एवरीवन इज नॉट इन अ पोजीशन कि वो अपने प्राइस को बढ़ा बढ़ा करके सामान खरीद ले. नॉट एवरीवन इज दैट रिच क्लास सिटीजन. सो यू विल सी कि गवर्नमेंट क्या करेगी, बफर स्टॉक निकाल देगी. सो जैसे ही स्टॉक मार्केट में रिलीज होगा, प्राइस वुड स्टेबलाइज, क्योंकि अब कमोडिटी है बेचने के लिए. सो सिंस कमोडिटी है, प्राइस वुड ऑटोमेटिकली कम टू इट्स नॉर्मल ऑर्डर. सो दिस इज बफर स्टॉक, जहां पे आप एक्स्ट्रा सामान रखते हो ताकि उसे इमरजेंसी सिचुएशंस में निकाला जा सके. इंडिया में बफर स्टॉक इज मेंटेन्ड बाय द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. सो दिस वॉज द इंटायर बेसिक डिटेल अबाउट द बफर स्टॉक. इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटिंग टू द कॉन्सेप्ट, यू कैन टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई यू ओवर देयर. टिल देन टेक केयर गाइज, थैंक यू सो मच.